This video is sponsored by KW Delhi 6. Hello friends, this is Dr. Arvinda. Thanks to Pinkish, जो आप लोगों से बात करने का मुझे मौका मिलता है. And I appreciate all the members who are doing so hard for women welfare through Pinkish platform. I salute to all their good work. Well, आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ friends, वो है हमारी सुंदरता का एक प्यारा सा अंग, हमारे बाल. कितनी प्यारी बात है, जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारी नज़र आँखों पे, स्किन पे और बालों पर जाती है. तो बाल हमारा मैग्नेटिज्म बढ़ाने का एक बहुत प्यारा टूल है. सिर्फ ये नहीं कि बालों से मैग्नेटिज्म बढ़ता है, बालों की हेल्थ हमारी एक्चुअल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है. जी हाँ, एक्चुअली में माना जाए तो तीन चीज़ें हैं जो हमारे बालों की हेल्थ को इफेक्ट करती हैं. इनमें आता है सबसे पहले हमारा डाइट, सेकंड हमारा लाइफस्टाइल एंड थर्ड हमारा मानसिक कंडीशन यानी कि मेंटल स्टेटस. सो ऑल दीज थ्री फैक्टर्स इन टोटैलिटी हमारी हेयर हेल्थ को इफेक्ट करते हैं. तो मैं आपसे बात करूंगी, बींग अ नेचुरोपैथ फॉर दिस 20 इयर्स नाउ, मैंने नोटिस किया कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं नेचर में, अबंडेंट, अनंत, जो हमारी हेल्थ को और ब्यूटी को मेंटेन कर सकती हैं. तो हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत भी नहीं है. इतनी अनंत है कि अगर हम ट्राई करें, ढूंढते रहें तो पूरा भोजन हमारे बालों का, हमारे स्किन का, हमें नेचर से मिलता है. सिर्फ ये नहीं है, हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे सिस्टम हैं जिसके द्वारा हमारी बॉडी रिजुविनेट करती है नेचुरली. सो ओनली इफ वी फॉलो सर्टेन रूल्स इन लाइफ, अगर हम उन चीज़ों को अपने साथ चला के चलें जिससे कि हमारी टोटल हेल्थ बनी रहे, और जब हेल्थ बनी रहेगी और तो स्किन और बाल सब अच्छे होंगे. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम डाइट के. अगर हम डाइट की बात करें तो डाइट शुड बी मोर ऑफ एल्कलिन, लेस ऑफ एसिडिक, यानी कि जो शार्प भोजन है, जो हमारे भोजन में 80% होना चाहिए और 20% हमारा अम्ल भोजन यानी कि एसिडिक भोजन होना चाहिए. लेकिन अगर गौर से देखें तो हमारे भोजन में रिवर्स है, हम लोग ज़्यादा एसिडिक खाना खाते हैं और एल्कलिन खाना कम खाते हैं. दिस इज़ वन बिग रीज़न वी हैव दी प्रॉब्लम्स इन अवर हेयर. सेकेंडली, जब भी हम खाते हैं वो सारा भोजन सीजनल होना चाहिए, ऑड सीजन की चीज़ें नहीं खानी चाहिए. और भोजन में हमें हरे पत्ते, इसके द्वारा हमारा सारा विटामिन्स और मिनरल्स कवर हों, वैरायटी द रेंज, जो जो कलर्स हैं उन सब का यूटिलाइजेशन, यानी कि चुकंदर आप भोजन में लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए. स्प्राउट्स जो हैं फ्रेंड्स, बहुत वंडरफुल इफेक्ट है. वो लोग जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बॉडी में कमज़ोरी फील कर रहे हैं, बाल टूट जाते हैं, ब्रिटल बाल हो गए हैं, बालों में कोई शक्ति नहीं है, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि स्प्राउट्स का इंटेक करें. स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित. अंकुरित में हर भोजन अच्छा है, चाहे आप अंकुरित में मूंग खाइए, मोठ खाइए, किसी भी राजमा को अंकुरित करिए, काले चने अंकुरित करिए. और जो काले चने हैं स्पेशली, वो आपकी बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं. काले चने का स्प्राउट्स अगर हम रॉ खाते हैं, ये भी ज़रूरी है कि स्प्राउट्स को हमने सदा रॉ खाना है. कुक्ड जो स्प्राउट्स होते हैं उनमें जो एंजाइम हम देना चाहते हैं बॉडी को, द नेचुरल एंजाइम, वो लॉस हो जाता है. सीजनल वेजिटेबल्स में जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, चौलई, बाथू, मेथी और भी सीजनल जो पत्तों की सब्जियाँ आती हैं, हरे पत्ते, ये सब पत्ते हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं, हमारे बालों की हेल्थ के लिए. और बढ़िया बात यह है कि ये जो पत्ते हम लोग खाते हैं, इनका इस्तेमाल अगर हम पैक के रूप में भी करें, हाउ वंडरफुल. देखिए, जो भी पत्ते आप खाते हैं जस्ट उनको ग्राइंड करिए और कर्ड में उनकी पेस्ट बनाइए, या उनकी पेस्ट आप दूध में बनाइए. वो लोग जिनके बाल ऑयली हैं वो दही में उसकी पेस्ट बना सकते हैं, जिनके बाल ड्राई हैं वो लोग कच्चे दूध में पत्तों की पेस्ट बना के अपने बालों में लगा सकते हैं. तो कितनी प्यारी बात है, बाथू, मेथी, चौलाई, आजकल चौलाई अवेलेबल है. चौलाई इज रियली गुड, खाने में भी और लगाने में भी. दूसरी जो चीज़ है वो है एलोवेरा. एलोवेरा को अगर हम ब्रेक ओपन करें, उसकी जो गुदा निकलता है उसको हम ब्लेंड कर लें,
और उसको ब्लेंड करके अगर हम बालों में लगाएं, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूट्रिशन। ऐसा मानिए कि जहाँ से बाल झड़ने शुरू होते हैं, अगर उन पैचेस पे रेगुलर अगर हम एलोवेरा लगाते हैं तो बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। इट्स अ वेरी गुड कंडीशनर एज वेल एज फूड फॉर हेयर। मेरा ये मानना है कि जो भोजन हम अंदर दे रहे हैं खाने के लिए बॉडी को, ब्लड को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ब्लड अच्छा है तो स्किन अच्छी है और बाल अच्छे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि पॉल्यूशन में हम सब लोग रहते हैं, स्ट्रेस में हम सब लोग रहते हैं, बाहर का भोजन लेना भी ज़रूरी है। जिस तरह स्किन पे हम पैक्स लगाते हैं, नेचुरल पैक्स लगाते हैं, इसलिए बालों में भी हमें पैक्स लगाने चाहिए, एंड दैट टू वेरी मच होममेड, वेरी मच नेचुरल। आप इवन टमाटर जो आपके किचन में आपको आसानी से मिलता है उसको ब्लेंड करके अगर आप रूट्स पे लगाते हैं, इट हैज़ अ वेरी रिजुविनेटिंग इफेक्ट ऑन योर स्कैल्प। इसके अलावा जब हम डाइट की बात कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि भोजन की हर वेराइटी, अब अपने सिंपल भोजन ऑफ कोर्स, नॉट द फूड्स विच आर एसिडिक लाइक मैदा बेस्ड फूड, फ्राइड फूड्स, मोर ऑफ शुगर्स, कन्फेक्शनरीज, बिस्किट्स, वो सब चीज़ें जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, याद रखिए वो बालों के लिए भी अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों को हमने अपने भोजन से हटाना है, सीजनल चीज़ों को खाना है और मोर बेस्ड ऑन दी ब्लैंड पैटर्न। ब्लैंड पैटर्न का मतलब कहने का है कि वो भोजन जो आप खाते हैं वो एल्कलाइन तरीके से बनाओ। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग सोचते हैं हमने घिया खाया और घिया खाने के बाद सोचते हैं हमने तो एल्कलाइन फूड खाया, घिया खाया, बट मैं जब इंडियन किचन्स देखती हूँ तो क्या देखती हूँ कि सुबह 8 बजे घिया बनता है और उसको पहले 10 बजे खाया जाता है, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, उसको रिपीटेडली हीट करके शायद 2 बजे वो घर की जो वुमेन है वो खाती है। तो आप मानिए कि जब वो भोजन हमने एल्कलाइन बनाया था तब उसी टाइम का भोजन था, जब हमने उसको दोपहर को खाया तो इट इज़ नो मोर एल्कलाइन, वो अम्ल बन चुका है, एसिड बन चुका है। क्या आप अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं? तो फिर देर किस बात की? प्लीज विजिट एट साइट एंड ग्रैब द स्कीम बेनिफिट्स ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड। गो एंड रीड अ प्रोजेक्ट हाइलाइट्स। अब ये कैसे पहचाने कि बालों की हेल्थ अच्छी है या कैसी है? एक बाल जो होता है उसकी थिकनेस तकरीबन कॉपर वायर की तरह होती है, और अगर हम बाल को हाथ में पकड़ें और दो तरफ से अगर हम बाल को पुल करते हैं और ये टूटता नहीं है तो दिस शोज अ हेल्दी हेयर। बट फ्रेंड्स, आज जब बच्चों की तरफ देखती हूँ तो बच्चों के बाल बहुत स्कैंटी, पतले हैं, उनकी जान नहीं है, उनके अंदर वो सुंदरता, वो चमक नहीं है। इसका मेन कारण है कि जंक फूड्स जो हम लेते हैं, प्लस जो केमिकल एप्लीकेशंस बालों पे की जा रही है, रीबॉन्डिंग और स्ट्रेटनिंग और कलरिंग इज एक्चुअली मे बी अ शो फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जो बालों की ओरिजिनल क्वालिटी है, ओरिजिनल हेल्थ है, वो लूज हो जाती है। अभी मैंने आपको बताए पैक्स, पैक्स में पालक के पत्ते, मेथी के पत्ते, उसको अगर हम ग्राइंड करके बाथू के पत्ते, दही या दूध के साथ हेयर पैक लगाते हैं, इट्स गुड। अगर हम बनाना में मैश करके थोड़ा हनी मिला के बालों पे लगाते हैं, इट इज़ गुड। अगर हम पुदीना पत्ता, कड़ी पत्ता, धनिया पत्ता और आपका ग्लो का पत्ता, ग्लो की स्टेम, इन सबको मिक्स करके भी बालों में पेस्ट लगाते हैं तो भी बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बालों पे एक तो गर्म पानी कभी नहीं डालिए, गर्म पानी बालों को ब्रिटल कर देते हैं, उनको, उनकी जो सुंदरता है उनको खराब, उनको बेजान कर देते हैं, तो बेजान होने से बचाइए। दूसरा जो बहुत बढ़िया है, बालों पे ठंडे पानी का इस्तेमाल। मैजिकली फ्रेंड्स, फ्रॉम अ यंग एज जब आप लास्ट रिंस बालों को देते हैं, मैंने क्या किया कि लास्ट रिंस जो है वो ठंडे पानी की बोतल डाली, क्योंकि ठंडे पानी की बोतल डालते ही ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प पे बढ़ता है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन हमारे स्कैल्प पे अच्छा होगा, हमारे फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे, उतनी ही हमारी हेयर हेल्थ अच्छी होगी। ऑयल एप्लीकेशन की बात करें तो ऑयल एप्लीकेशन हमारे को हफ्ते में 2 से 3 बार करनी चाहिए, बट नॉट द वे एज अवर एल्डर्स यूज टू डू, नॉट दैट वे। वी हैव टू जस्ट पुट ऑयल फॉर मैक्स टू मैक्स 30 to 40 minutes, जो भी अब्जॉर्प्शन होना होता है 30 से 40 मिनट में हो जाता है। और उसकी मसाज करने की जो स्पेशल टेक्निक है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि 1 inch by 1 inch, नेवर मसाज योर हेयर विद दिस लाइक दिस, नो नेवर, इट शुड बी 1 inch by 1 inch एरिया स्टिमुलेटेड लाइक दिस।
आगे पीछे करके आपने 1 इंच बाय 1 इंच एरिया को स्टिमुलेट करना है। तो जितना फॉलिकल स्टिमुलेट हो गए उतनी ही ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, रूट फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। अगर हम बादाम की पेस्ट के अंदर, बादाम का पाउडर बनाइए, उस पेस्ट के अंदर अगर थोड़ी काली मिर्च पीस दीजिए और वो आप अपने बालों में लगाइए, बालों की ग्रोथ तेजी से बढ़ने लगेगी। हालांकि काली मिर्च का एप्लीकेशन थोड़ा चुपता तो ज़रूर है, लेकिन वो स्टिमुलेट करता है रूट्स को, रूट फॉलिकल्स को, और हमारा हेयर ग्रोथ अच्छा होता है। प्याज की पेस्ट सब लोग जानते हैं, आप तो सबको पता है, प्याज की पेस्ट के अंदर भी हम काले मिर्च का पाउडर डाल के लगा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड टू इंक्रीज दी हेयर ग्रोथ। रेगुलर क्लीनिंग जो है हमारे बालों की, हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ऑयल लगाते हैं उसको अगर ओवरनाइट रखते हैं तो बालों के जो जमीन है, हमारी जो जमीन है उसमें इकट्ठा हो जाता है ऑयल और ब्लॉक। जैसे ही ब्लॉक बन गया, फ्लो बंद हो गया तो वहाँ डैंड्रफ, स्केल्स डेवलप करने लगते हैं। सो ये सारी हाइजीन हमें ज़रूर देनी है, ध्यान देनी है, इस हाइजीन की तरफ हमें ज़रूर ध्यान देना है। और बहुत अच्छा बात ये रहेगा कि जब भी आप ऑयल एप्लीकेशन करते हैं उसको 30-40 मिनट्स रखने के बाद एक हॉट टॉवल दीजिए ताकि स्टीम हो जाए और अच्छी सी एब्जॉर्प्शन आपके पोर्स में ऑयल की हो जाए। एज फार एज ऑयल इज कंसर्न, सभी ऑयल अच्छे हैं। मेरा मानना है कि आलमंड, तिल, कोकोनट एंड मस्टर्ड, देसी घी, अगर चाहो तो इन सब का कॉम्बिनेशन बना के भी आप बालों पे लगा सकते हैं। लेकिन एक जो और अच्छा तरीका है इसके लिए वो है कि हम बालों का जो तेल है उसको ब्लू बना सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के हर अंग का एक डिफरेंट कलर है जिससे कि उसको फ़ायदा मिलता है। तो हमारे जो हेड के लिए कलर है वो है ब्लू कलर। ब्लू कलर की तासीर ठंडी होती है। तो अगर हम तेल को नीला तेल बनाएं तो कैसे बनाएं, ये रेसिपी मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप एक लकड़ी के पीस के ऊपर कांच की बोतल में तेल को रखिए, कोई भी तेल जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको रखिए, और गर्मी के दिनों में एटलीस्ट 45 डेज, 7 से 8 घंटे जब सूरज होता है उसको वहाँ बाहर रहने दीजिए धूप में, और उसके ढक्कन में आपको कॉर्क लगाना है या पेपर लगाना है, मेटल का ढक्कन नहीं रखना है, और लकड़ी पे ही रखा जाएगा ये बोतल। सो कम से कम आपको 45-50 डेज रखना है गर्मी के दिनों में, और सर्दियों में ये टाइम बढ़ जाता है, दैट कैन बी 60-70 डेज इन विंटर्स। सो शार्प धूप के अंदर जब हम तेल को रखते हैं और तेल की जो बोतल होगी वो नीले रंग की होगी, और मुझे लगता है कि नीले रंग की बोतल कई बार अवेलेबल नहीं होती। ऐसे में आप क्या करेंगे कि आप एक कांच की बोतल के ऊपर नीले रंग का सेलोफेन लगा देंगे, और उस सेलोफेन का, बिकॉज नीले रंग का सेलोफेन होगा तो सिर्फ नीला रंग ही क्रॉस होगा उस ऑयल में, तो चार्जिंग जो होगी वो ऑयल की वो ब्लू हो जाएगी। एंड ब्लू कलर का ये ऑयल सिर्फ बालों की हेल्थ के लिए ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप ये बना लेंगे तो सिर दर्द में, आई साइट में, माइग्रेन हेडेक्स में, बहुत सारी और चीज़ों में भी ये नीला तेल आपको फ़ायदा देता है। तो ये थी कुछ एप्लीकेशंस बालों के लिए जो आप घर में लगा सकते हैं। और कंडीशनिंग में अगर आप लास्ट जो पानी डालते हैं अपने बालों में तो आपको केमिकल कंडीशनर्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक लेमन स्क्वीज कर दीजिए, 1 चम्मच हनी डाल दीजिए लास्ट मग में, सिरका डाल दीजिए, ग्लिसरीन डाल दीजिए, ये नेचुरली बालों को कंडीशन कर देते हैं। सो कितना ब्यूटीफुल है। नीम के पत्तों की पेस्ट अगर हम बालों पर लगाते हैं, बिलीव इट, आप खुद देखेंगे इस्तेमाल करने के बाद किस तरह बालों की ग्रोथ और हेल्थ बढ़ती है। सो एवरीथिंग इज प्लेंटी इन नेचर, मेरा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा एफर्ट करें जिसके द्वारा हम बालों को अच्छी हेल्थ दे सकें। ये तो रहा डाइट और एप्लीकेशन की बात, लेकिन एक जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है वो है आपका मेंटल स्टेटस। अगर आप ठीक नींद लेते हैं, भरपूर नींद लेते हैं, नींद का मतलब नींद, ना कि ऐसी नींद जिसमें आप सो नहीं पा रहे हैं, ऐसी नींद नहीं, अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है बालों के लिए, और स्ट्रेस फ्री रहना, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए योगा की एक्सरसाइजेस प्लस प्राणायाम, स्पेसिफिकली चंद्रभेदी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, और कपालभाति प्राणायाम है, ये सारे भ्रामरी हैं, ये हमें स्ट्रेस फ्री करते हैं, इनकी प्रैक्टिस हमें रोज करनी है। सो अगर इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करते हैं, दैट इज राइट स्लीप, राइट थॉट, राइट फूड एंड राइट लाइफस्टाइल इन टोटल, एंड ऑफ कोर्स प्रॉपर एप्लीकेशंस ऑफ वुड पैक्स ऑन हेयर, ऑल नेचुरल पैक्स, देन ऑफ कोर्स यू कैन हैव वेरी गुड हेयर हेल्थ। सो फ्रेंड्स, एंजॉय गुड हेयर हेल्थ,
and nature and enjoy the beauty. Thank you so much. Thank you, Pinkesh. This is Dr. Ravinda. Thanks for watching this video. For further details, contact us at 8010 908888. Thank you.